बसपा सांसद अफजाल अंसारी ने सत्तारूढ़ बीजेपी पर जमकर एक बार फिर सियासी तंज किया है। अफजाल अंसारी ने कहा कि पिछले दिनों बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की हुई रैली पूरे तरीके से फ्लॉप थी। अंसारी ने दावा किया कि बीजेपी को जनता ने आइसोलेट कर दिया है। अंसारी ने कहा कि वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में 5 सालों तक जनप्रतिनिधियों और सरकारों के कार्यों के मूल्यांकन जनता की ओर से किया जाता है। 5 साल के बाद मीडिया की ओर से सरकार के कार्यकाल की समीक्षा की जाती है। वर्तमान के सरकारों पर कई आरोप हैं, जिनमें राष्ट्रीय धरोहरों को बेचने का भी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली स्थित ऐतिहासिक लाल किला को डालमिया को बेच दिया गया, वहीं एयरलाइंस को भी निजी हाथों में दे दिया गया है। इसके तहत एयरपोर्ट को भी निजी हाथों में दिया जा रहा है। भारतीय रेल भी प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। सरकार बैंकिंग सेक्टर के भी प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है। इस बात की कहीं कोई चर्चा नहीं करता। सब कुछ भेजने के बाद सरकार ने एक चीज खरीदी है और वह मीडिया है। पिछले दिनों बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के संयुक्त रैली पर भी बीएसपी एमपी अंसारी ने तंज किया। उन्होंने रैली में आई भीड़ को संदर्भित करते हुए कहा कि इस बात से अंदाजा लगाया जाना चाहिए कि गाजीपुर की जनता का बीजेपी को लेकर क्या रुख है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेताओं की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि सही सिंबल पर बटन दबाइए। लोगों ने बीजेपी को जवाब देते हुए कह दिया है कि आप सही राह पर चलिए। अफजाल अंसारी ने कहा कि गंगा विलास लग्जरी क्रूज के ऑपरेटर एक प्राइवेट कंपनी के मालिक हैं। इनके स्वागत में जिला प्रशासन के सभी अधिकारी फूलमाला लेकर खड़े रहते हैं। क्रूज आने का ढिंढोरा पीटा गया। अंसारी ने क्रूज आगमन पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि क्रूज आने से क्या गाजीपुर के नौजवानों की रोजी रोटी की समस्या दूर हो जाएगी। क्रूज गंगा मैया की गोद में तैरता हुआ एक आलिशान होटल है। इसमें देश विदेश के विलासिता में लिप्त लोग, पैसे वाले धनवान लोग महीनों तक क्रूज में जाकर यात्रा कर रहे हैं। क्रूज का पैकेज 12 लाख रुपए है। उन्होंने यह भी कहा कि गंगा बिलासपुर के आगमन के लिए गाजीपुर के रामपुर में स्थित पीपा पुल खोला गया। इस पुल के खोले जाने के बाद किसानों को गंगा पार अपने खेतों में उगी फसल को तोड़कर लाने की असुविधा हो रही है।